यही झारखंडी समाज और 1932 और खतियानधारी समाज, और इस बार मुंह तोड़ जवाब देगा और उनको गंगा पार भेजने का काम करेगा। 9 लाख पार करेंगे। 9 लाख पार क्या करेगा? 9 लाख से हार के गंगा पार जाएगा। उड़ीसा और पश्चिम बंगाल का पूरा समाज का यह निर्णय है कि इस बार भाजपा के विरोध में वोट देना है। अब भाजपा को नमस्कार, जोहार साहब, मैं आपका जाद और आप देख रहे हैं जोहार न्यूज। और अभी प्रदीप यादव का नामांकन के बाद विशाल जनसभा है और देख सकते हैं कि हमारे साथ तमाम झारखंड खतियानी लोग सब हैं और उनके समर्थन में अब कुछ ही देर में गोड्डा के मेला मैदान पहुंचने वाले हैं। और हमारे साथ में है दीपक महतो जी। तो आप लोग कितने संख्या में आज इस जनसभा में शामिल हो रहे हैं? आज सबसे पहले हम आपका और आपके जोहार न्यूज का और आपके प्यारे प्यारे दर्शकों का हम हृदय से वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं, धन्यवाद। जोहार, जय ग्राम, जय संविधान, जय मूल्यवासी, जोहार, जय ग्राम करते हैं। तो अब आप लोग जो समर्थन कर रहे हैं प्रदीप यादव पर, तो कौन कौन से ऐसे मुद्दे रहे हैं जिसपे आप उनको समर्थन कर रहे हैं और क्या कुछ बाकी रह गया इन 15 साल में जो लगातार सांसद रहे निशिकांत दुबे से, क्या शिकायतें रह गई? देखिए, ये जो जनसमूह छात्र युवा नौजवानों और बुद्धिजीवियों का आप देख रहे हैं, ये झारखंडी मूल निवासियों का है। 1932 और खतियान धारियों का ये समाज है। और जिस निशिकांत दुबे जो भागलपुर बिहार से आकर के झारखंड और झारखंडियों को, 1932 के खतियान धारियों को और खतियान धारियों को उन्होंने बांग्लादेशी और उन्हें आतंकवादी कहा है, उसको इस बार लोकसभा चुनाव में यही झारखंडी समाज और 1932 और खतियानधारी समाज, और इस बार मुंह तोड़ जवाब देगा और उनको गंगा पार भेजने का काम करेगा। इतना साहस और हिम्मत इस सांसद को कैसे हो गया कि जिस प्रदेश से, जिस झारखंड से उनको यहाँ के लोगों ने अपना वोट और मत दे करके सांसद जिताया और यहाँ का उन्होंने झारखंड का प्रतिनिधित्व वो देश में लोकसभा में करते हैं, और वैसी जनता का इन्होंने आतंकवादी कहा है और जो है इन्होंने कहा कि ये लोग आतंकवादी हैं। क्या झारखंडी लोग, खतियानधारी लोग आतंकवादी है, बांग्लादेशी है? ये साहस, ये गुरूर, ये और उनका घमंड और ये गुंडई और ये दादागिरी, ये निशिकांत दुबे का इस बार झारखंडी समाज इतना वोट से हराएगा कि वो दोबारा कभी झारखंड में और लोकसभा में नजर नहीं आएगा। इस बार निशिकांत दुबे कह रहे हैं कि 9 लाख पार कर जाएंगे हम लोग। 9 लाख पार करेंगे। 9 लाख पार क्या करेगा? 9 लाख से हार के गंगा पार जाएगा। अच्छा, एक बार बताइए कि कुर्मी वोट जो है एक बहुत बड़ा वोट बीजेपी का वोट होता है, ऐसे में कुर्मी वोट को कैसे साथ पाइए? अगर आप कुर्मी समाज का बात करते हैं तो मैं दीपक महतो कुर्मी समाज का केंद्रीय प्रधान प्रवक्ता होने के नाते यह जिम्मेदारी के साथ बयान दे रहा हूं कि सामूहिक रूप से कुर्मी समाज का यह निर्णय है झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल का पूरा समाज का यह निर्णय है कि इस बार भाजपा के विरोध में वोट देना है। अब भाजपा को बुरी तरह से परास्त करना है, चुनाव में हराना है। क्यों? कि कुर्मी समाज को आरएसएस समर्थित भाजपा मोदी की सरकार ने समाज को उन्होंने वादा करके, वचन दे करके उन्होंने एसटी सूची में शामिल नहीं किया और उन्होंने धोखा दिया है, और इसीलिए और छल किया पूरे समाज के साथ। ये छल और धोखा का जवाब इस बार मोदी सरकार को और भाजपा सरकार को झारखंड से और देश से उखाड़ करके कुर्मी समाज इस बार विरोध दर्ज करेगा और यहाँ के सांसद को भी 9 लाख वोट से हरा के गंगा पार भेजेगा। यहाँ के सांसद को इस बार गंगा पार करना है। तमाम लोगों का जनसमूह देख रहे हैं, अब कुछ ही देर में मेला मैदान पहुंचने वाले हैं। बन रही आप लोग जॉइन के साथ, धन्यवाद।